यदि इस ऑक्सीडेशन की व्याख्या हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म में करना चाहें तो हम देखते हैं कि ये जो कार्बन ऑक्सीजन है बॉन्ड है तो यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए जब ये कार्बन एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन होने से जब कीटोन बनता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड बन गए। यानी ऑक्सीजन क्या करेगा, जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के जो कोवेलेंट बॉन्ड है उनको अपनी तरफ खींचेगा, और उस कंडीशन में यहाँ जो कार्बन है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि एल्कोहल में तो सिर्फ एक सीओ बॉन्ड था जबकि कीटोन में दो सी और ओ के बीच डबल बॉन्ड है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट ज्यादा हो जाती है। तो चूंकि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम होना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन कैसी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक उसी समय हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या हो गया, यहाँ कीटोन में कम हो गया, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या होती है, सबसे कम होती है। तो जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड था तो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर थे, कार्बन की ओर थे, मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कहाँ ज्यादा था, कार्बन पर ज्यादा था। पर जब ये हाइड्रोजन हटके हेट्रो एटम जुड़ा तो अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पर कम हो गई, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम होना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसलिए इस डिहाइड्रोजिनेशन में हालांकि कोई ऑक्सीजन ऐड नहीं हुआ, तब भी ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही एक उदाहरण है।